Part 2, we have finished type of equations, type of statements, formation of straight lines. अब straight line में थोड़ी सी और बात करते हैं. देखिए आप क्लास 10 में पढ़ा रहे हैं straight line. किस किस फॉर्म में होती है, intersect कर रही है, diagonal है और या perpendicular. इन तीन में बहुत क्वेश्चन आते हैं. जब intersecting, they are always angle alpha. इसका ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है. तो tan alpha equals to क्या होगा? M1 minus M2 upon 1 plus M1 अब ये के लाइन पार्टनर है, तो ये क्या है? M1, M2. इनके बीच का अल्फा नहीं कैसा हो जाएगा? ये तो इक्वल्स टू M1 minus M2 1 plus M1 M2 conclusion M1 M2. दोनों का स्लोप सेम है. ये बातें नहीं देख पा रहा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आइए सर, वाई एक्स एक्स वाई एक्स एक लाइन ए और एक लाइन ए, दोनों पैरेलल हैं. पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए इक्वल हो गए? क्योंकि क्यों बैंड वे पर? बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्लास नाइन में पढ़ा हुआ है. थर्ड सिचुएशन, ये लाइन एल वन और ये लाइन एल टू, बीच में एंगल कितना है? tan alpha equals to 90 करके tan alpha है, 1 upon 0, 1, m1 minus m2, 1 plus m1, m2, so m1, m2 equals to minus 1. Is this clear? पक्का, होना चाहिए. तो ये तीन सिचुएशन पे सारे क्वेश्चन हैं जितने भी हैं. यदि आप इन कंसेप्ट्स को याद रखें, इनसे बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ यही पढ़ाया जाना है. इसमें एक बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन. ये मेरी लाइन है एल वन, ए एक्स बी वाई सी इक्वल्स टू जीरो, ये मेरा पॉइंट है बी एक्स वन वाई. इस इसका डिस्टेंस पी एन बी. अभी बात होती है सर आपने डिग्री क्यों लिया? यार ये शॉर्ट डिस्टेंस से परपेंडिकुलर, नाइन्थ क्लास में थ्योरम की दवाई हुई है इसके लिए. वो थ्योरम क्या थी?